सीजन 9 के दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला। दोनों टीम्स बदल गई हैं, कोच भी एक टीम के बदल गए हैं, चंद्रन रंजीत के सितारे भी बदल गए हैं। कभी पवन सहरावत के साथ खेलते थे, आज उनकी विरोधी टीम के कैप्टन हैं CR66, अब हो गए हैं CR666। जर्सी में 1-6 और जोड़ लिया है इन्होंने। पहली रेट पर ही आए हैं चंद्रन रंजीत। एक मिनट, पहले 666 था, अब 60 आप हो गए हैं संजय दा, ये जर्सी नंबर हर बार चेंज कर रहे हैं। नरेंद्र कंडोला को हमने इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देखा था, डेब्यू कर रहे हैं और इनके आदर्श खिलाड़ी हैं पवन सहरावत, उनके साथ खेलते हुए पहली रेड में प्रतीक दहिया को आउट किया है। तो युवा खिलाड़ियों की भरमार सीजन 9 में है और अनुभवी चंद्रन रंजीत बेंच पर है। हरियाणा के डेप्यूटी स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, जेबी पंचकूला में मौजूद थे, उदय कुमार भी थे, दोनों ने युवा खिलाड़ी चुने हैं अलग अलग जगह से। HS राकेश कितने पॉइंट मांग रहे हैं, इंतजार करना होगा। चंद्रन रंजीत समझा रहे हैं राकेश को, कोई बात नहीं, दो पॉइंट्स मिल गए गुजरात जायंट्स को और अब सिर्फ दो खिलाड़ी बाकी हैं, यानी कि ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ। 2+2 4 points, ऑल आउट इसके साथ ही तमिल थलाइवास ऑल आउट। पवन को चोट लगी है और ये एक कतई अच्छी खबर नहीं हो सकती थलाइवास के लिए। सब्स्टिट्यूशन, पवन देखिए ये इनका पैर मुड़ा, जब आगे गए आउट हुई तो कोई बात नहीं, जो उनका दायां पैर जमीन पे मैट पे पड़ा वहां मुड़ गया। आशा करते हैं कि अभी आइस ट्रीटमेंट मिले, स्प्रे हो और पवन वापस मैट पे दिखाई दें, लेकिन जिस तरीके से उनके एक्सप्रेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेचर पे लेकर उनको लेकर जा रहे हैं। ओह, एडवांस टैकल, क्या बात है, लेफ्ट कॉर्नर से 1 point तमिल थलाइवास। गुजरात जायंट्स इस समय 12-9 से आगे है तमिल थलाइवास से, जबकि ओहो ये तो पूरी की पूरी डिफेंस के अंदर घिर गए, यानी कि गुजरात लगातार अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं। हिमांशु सब्स्टिट्यूट आए हैं पवन की जगह और पहली रेड में दो अंक उनको मिलने चाहिए। 2 points तमिल थलाइवास। अरकम शेख और शंकर गदई, उस महाराष्ट्रन जोड़ी को एक ही रेड में हिमांशु ने साफ कर दिया। डिफेंस थोड़ा सा फीका और रेडर्स यहां पर अपनी भूमिका अदा करते हुए, लेकिन यहां डिफेंस ने एक और पॉइंट हासिल किया, मोहित ने बढ़िया पकड़ बनाई और ये चौथा पॉइंट डिफेंस में। क्या बात है, ब्लॉक देखिए, एम अभिषेक छा गए। 1 point तमिल थलाइवास। जिस पोजीशन पर मौका मिला ब्लॉक के लिए वो जबरदस्त था। आखिरी रेड में अजिंक्य पवार रिस्क नहीं लेंगे, पवन सहरावत चोटिल होकर बाहर गए हैं, उनके बावजूद तमिल थलाइवास ने बहुत अच्छी फाइट दी है और गुजरात जायंट्स को सिर्फ 2 ही पॉइंट की लीड लेने दी है। तो ये है पहले हाफ की कहानी, 18-16 से गुजरात जायंट्स आगे जरूर हैं। एक खिलाड़ी सेल्फ आउट, गुजरात जायंट्स के ऊपर अब ऑल आउट का खतरा है और पवन सहरावत की गैर मौजूदगी के बावजूद थलाइवास ने इस मैच में गुजरात को दबोचना शुरू कर दिया है। अरकम शेख अब रेड में आए हैं, एक उपयोगी ऑलराउंडर है पर उनको टैश किया गया। 1 point तमिल थलाइवास। एम अभिषेक, साहिल गुलिया दोनों कमाल खेल रहे हैं आज और स्कोर देख लीजिए अब बराबर हो चुका है और गुजरात जायंट्स ऑल आउट हो चुके हैं। 3 points तमिल थलाइवास। गुजरात जायंट्स इसके साथ ही ऑल आउट।
यानी कि तमिल तलाईवास का पलड़ा भारी होगा। कैप्टेंसी वाला दिमाग जो इनके अंदर है बहुत कम खिलाड़ियों में है। देखना होगा कि रोहित कितने इफेक्टिव, कितने कारगर दिखाई देते हैं। चैन कुंडी लगातार वॉरियर्स के लिए खेलते थे और इस समय डू और डाई में बोनस पॉइंट तमिल तलाईवास नरेंद्र आए और उन्हें बाहर डैश कर दिया गया। रेडर आउट एंड आल्सो वन डिफेंडर आउट। ओके प्लीज गो बैक टीवी अंपायर तमिल तलाईवास चैलेंज रेडर आउट एंड आल्सो वन डिफेंडर आउट ऑफ बाउंस 1 point each. Our decision only Raider out. Please review. रेडर तो पूरी तरह से बाहर थे लेकिन 33 नंबर की जर्सी पहने अरकाम शेख का पैर भी, जो पिछला पैर था वो भी ऐसा लगा, महसूस हुआ कि संभवतः लॉबी से बाहर निकल गया। तो ऐसे में एक एक पॉइंट्स दोनों को मिल सकते हैं लेकिन हमें इंतजार करना होगा। थैंक यू। रिव्यू सक्सेसफुल 1 point each. नंबर 33 आउट। तो चलिए रिव्यू कामयाब हुआ, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। बोनस प्लस पॉइंट। डिफेंस को खींच के लाते हैं और आते ही डू ऑर डाई रेड में बिल्कुल कटा हुआ शरीर है और ये अंदर गए साहिल ने। बढ़िया बैक होल्ड किया प्रदीप का। प्रदीप आए भी और प्रदीप गए भी। बहुत ही शानदार बैक होल्ड साहिल का। 25-21 तो डू ऑर डाई में यहां भी अजिंक्य पवार, उन्होंने टच किया, रिंकू को बाहर किया और यहां भी कामयाब। तो दोनों तरफ डू और डाई में कामयाबी मिली है रेडर्स। 2 points गुजरात जायंट्स। और इसी बीच प्रतीक दहिया ने डुबकी लगाई है और अपनी पहली सफल रेड इन्होंने की है जब हम वो गेम चेंजर देख रहे थे। सिर्फ 2 point का फासला नरेंद्र, आज रात 9 point और ये 10वां सुपर 10 पूरा कर लिया। पहला सुपर 10 नरेंद्र का डेब्यू करते हुए। इससे पहले नवीन ने एक सुपर 10 लगाया था दबंग दिल्ली की तरफ से और यहां पर एक और सुपर 10 हमने देखा है नरेंद्र से। 5 का डिफेंस है, बोनस ले नहीं सकते। डिफेंस उन पर अटैक करने जाएगा, चला गया बीच से रास्ता काटते हुए निकले। टॉस दिया, चकमा दिया, 1 point से संतुष्ट हो गए। मांग 2 की है। प्रतीक कह रहे हैं कि नहीं, 1 ही मिला है। उनके साथी और उनके फिजियो कह रहे थे कि 2 point है। क्या यह हैंड टच हुआ है, 1 या 2? राकेश 2 की मांग कर रहे हैं। अगर हुआ तो स्कोर बराबर है। 2 points गुजरात जायंट्स। राकेश ने स्कोर बराबर कर दिया है। हाईली स्किल्ड है ये। क्या एक और टाई संभव है आज के दिन? तमिल तलाईवास पिछले सीजन में सबसे ज्यादा टाई मुकाबले खेले थे उन्होंने। कुल मिलाकर 6 मुकाबले टाई थे तमिल तलाईवास के। तभी हम उनको तमिल टाई वालास कहा करते थे। पर यहां देख लीजिए, अगर डू ऑर डाई रेड की सूरत नहीं बनती है। बोनस पॉइंट तमिल तलाईवास। बोनस मिला तमिल तलाईवास लीड में। अगर यह सुपर टैकल कर लिया तो तमिल तलाईवास तकरीबन जीत जाएंगे। ऑल आउट हुआ तो गुजरात जीत सकते हैं। किक लगाई, स्कोर बराबर। क्या एक और टाई आने वाला है? बिल्कुल उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बॉक लाइन को पार किया, अपनी रेट को वैलिड किया और इसके साथ ही ऐसा लगता है कि आज का ये दूसरा मुकाबला भी टाई पर खत्म हो गया है। लगातार दूसरा टाई सीजन 9 में तमिल तलाईवास गुजरात जायंट्स 31-31 की बराबरी पर। ये रणनीतियों का दांव। 31 दिसंबर 2021 को 3 मुकाबले टाई हुए थे संजय दा। 2 मुकाबले आज टाई हो चुके हैं। 34-34 और 31-31। पवन सहरावत सिर्फ 9 मिनट खेले, कुछ नहीं कर पाए, उसके बावजूद तमिल तलाईवास मुकाबले को हारे नहीं।